कंगना रनौत का ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन एक्ट्रेस किसी से पंगा ना ले। अपनी आदत से मजबूर कंगना के निशाने पर अब आमिर खान आ गए हैं और उन्होंने बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट को बेचारा कह दिया है। आमिर के साथ साथ कंगना ने आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा पर भी निशाना साधा है। हुआ ये कि आमिर खान हाल ही में उपन्यासकार और स्तंभकार शोभा डे की नई किताब इनसेटिबल माय हंगर फॉर लाइफ के प्रमोशन इवेंट में शामिल हुए थे। मीडिया से बातचीत के दौरान उनसे पूछा गया कि शोभा डे की भूमिका के लिए कौन सी एक्ट्रेस फिट बैठेगी। आमिर ने एक्ट्रेस आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा को चुना। उसके बाद शोभा डे ने उन्हें याद दिलाया कि वो कंगना रनौत को तो भूल गए। फिर आमिर ने उन्हें एक मजबूत अभिनेत्री कहा और सहमति व्यक्त की कि वो भी इस रोल में फिट रहेंगी। I think a number of them would do pretty well. I think Deepika would do it well, would be well cast for it. Priyanka would be well cast for it. And I mean there would be let's say Alia. Yeah, just off the top of my head. All three incredibly talented. And strong personalities. Very much so, but you've forgotten one. Tell me. Kangana. Kangana, yeah, she would do it well as well. Kangana would do it well, yeah. अब कंगना का नाम आए और वो रिएक्शन ना दे, ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो कंगना ने अपने ट्विटर पर वीडियो शेयर कर रिएक्शन दिया। उन्होंने लिखा, बेचारा आमिर खान, हा हा। उन्होंने ऐसा ढोंग करने की पूरी कोशिश की जैसे उन्हें पता ही नहीं कि केवल मैं ही 3 बार नेशनल अवार्ड जीत चुकी एक्ट्रेस हूँ। जिनका उन्होंने जिक्र किया उनमें से किसी के पास एक भी नहीं है। धन्यवाद शोभा डे जी, मुझे आपकी भूमिका निभाना अच्छा लगेगा। उन्होंने आगे कहा, शोभा जी और मेरे राजनीतिक विचारों में मतभेद हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे आर्ट, हार्ड वर्क और डेडिकेशन का सम्मान किया। आपकी नई बुक के लिए आपको शुभकामनाएं। कंगना रनौत के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो कई प्रोजेक्ट में बिजी हैं। वो जल्द ही फिल्म इमरजेंसी में नजर आएंगी।